बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक झटपट क्विक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बच्चों के लंच बॉक्स में बहुत काम आने वाली है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी में सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें 1 अंडा, 1/4 कप दूध, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/4 कप चीनी और 4 स्लाइस ब्रेड चाहिए होंगे आपको। बस सबसे पहले हम एक बैटर तैयार करेंगे। मैं एक फ्लैट सरफेस प्लेट इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि ब्रेड को डिप करना आसान हो। ये देखें, इसमें से 2 जर्दियाँ निकली हैं अंडे में से। चलें, कभी कभी लग चलता है। अच्छे तरीके से अंडे को आपने फेंटना है। अच्छे तरीके से इसलिए फेंटना है ताकि आपका जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छा तैयार हो। अब इसमें हमने शामिल करनी है चीनी। 1/4 कप चीनी इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हल करना है। आपने फॉक की मदद से भी आप इसको फेंट सकते हैं और आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी आप इसको फेंट सकते हैं। जी, अभी हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस, या समझ लें कि 3-4 ड्रॉप्स ही हमें वनीला एसेंस के इसमें शामिल करने हैं। और फिर 1/4 कप दूध हमने इसके अंदर शामिल करना है और इसका मिक्सचर अच्छे से तैयार कर लेना है। ये लंच बॉक्स आइटम के लिए बेहतरीन चीज़ है। बच्चों के लिए आप लंच बॉक्स में दें, बच्चे ज़रूर इसको पसंद करेंगे। ये देखिए, अभी हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। हमने फ्लेम ऑन किया है। इसके ऊपर हम पैन को थोड़ा सा प्री हीट कर लेंगे, हल्की सी ऑयलिंग करेंगे, या हम मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमने ब्रेड को अपने बैटर के अंदर डिप करना है और इसको फ्राई करना है। आपने दोनों साइड से लाइट ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। नाश्ते के लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है और शाम के स्नैक्स में भी आप बना के दे सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, एक साइड से लाइट ब्राउन हो चुका है। आपने दोनों साइड से इसी तरीके से इसका कलर लाना है आपने। जी, ये देखें, तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।